सकते हैं, आज हमारे पास हैं परकुलेटर्स जो कि कॉफ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं, कॉफ़ी फिल्टर एंड स्टेनलेस स्टील का भी फिल्टर है मेरे पास, ब्रास का भी है, स्टील का एक इस तरह का भी मॉडल है जो कि ऑयल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका पूरा डिटेल्स में बताते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है एंड कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील परकुलेटर के बारे में। तो ये है पिजन ब्रांड का परकुलेटर जो कि 2 कप का है, इसमें 4 कप का भी है एंड 6 कप का भी है, 3 साइज इसमें अवेलेबल मिलती है। एंड इसका सभी का जो बॉइलिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे साइजेस भी आते हैं, मैंने बताया कि सभी मॉडल में साइजेस आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परकुलेटर के बारे में, तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कॉफ़ी पसंद करना है पीना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट परकुलेटर है जो कि फर्स्ट सेल होता है मार्केट में। एंड इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो देख सकते हैं इसको इस तरह से जो है ओपन किया जाता है नीचे को पकड़ के, एंड उसके बाद में इसको इस तरह से खोल दिया जाता है। एंड इसमें सिंपली क्या होता है ना, इसमें वाटर डाल दिया जाता है, यहाँ पे आपको इधर वाटर डालना है, ये सेफ्टी वॉल दिया हुआ है इधर तक, इधर वाटर डालने के बाद आपको ये वाला जो है इधर ऐसे रख के इसमें आप जो है कॉफ़ी पाउडर डालना है, आपको स्ट्रॉन्ग कैसा डालना है उसके हिसाब से आप पाउडर डाल के जो है इसको सील करना है, लॉक करना है कम्प्लीट। लॉक करने के बाद इसको पानी जो है नॉर्मल वाटर डालना है, हॉट वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली गैस या इंडक्शन में आप इसको हीट करना है जो कि लो फ्लेम में हीट करना है। विद इन 2 to 3 मिनट में आपका जो भी डिकोशन रहेगा ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर मतलब यहाँ पे आपका जो है डिकोशन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद में आप मिल्क से मिक्स करके जो है कॉफ़ी पीने का मज़ा उठा सकते हैं। तो ये है परकुलेटर एंड ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मॉडल है अभी मार्केट में। एंड इसका प्राइस रेंज की बात करूँ तो 600, 800 या 1000 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाता है ये, एंड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का परकुलेटर है। तो ये हो गया स्टेनलेस स्टील का परकुलेटर जो कि रेगुलर प्राइस में आया, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं लेकिन महंगा भी होता है, लेकिन ये एक ठीक ठाक प्राइस में आपको मिल जाता है। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे नॉर्मल स्टील कॉफ़ी फिल्टर के बारे में। तो ये स्टेनलेस स्टील का कॉफ़ी फिल्टर है, इसमें क्वालिटी के ऊपर जाता है, आप जैसी क्वालिटी लेंगे उतना प्राइस रहेगा, 200 में मिल जाता है, 400 में मिल जाता है। तो एंड साइजेस भी बहुत आता है इसमें, 1 कप से लगाकर 8 कप 10 कप तक काफ़ी साइज आपको मिलता है। तो ये सबसे सिंपल है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इधर आपको सिर्फ पाउडर डालना है एंड इसको ऊपर डाल के, इसको ऊपर डाल के इसके अंदर हॉट वाटर डालना है जो कि डिकोशन रहेगा वो नीचे जो है स्टोर हो जाएगा, एंड आप बाद में कॉफ़ी डिकोशन को मिल्क में मिक्स करके जो है सर्व करके पी सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है एंड इसमें क्वालिटी के ऊपर प्राइस जाता है। एंड उसके बाद में ये है ब्रास का, तो ब्रास का जो मैकेनिज्म है स्टील का और ब्रास का सेम मैकेनिज्म है, वैसा ही डालना पड़ता है, लेकिन ये ब्रास का दिया हुआ है अभी जो कि बहुत ट्रेंड कर रहा है मार्केट में। तो देख सकते हैं ये ब्रास, एंड ये क्वालिटी के ऊपर जाता है यानी कि थिकनेस के ऊपर भी प्राइस जाता है, ब्रांड के ऊपर भी जाता है। एंड इसमें कोई कोई ब्रांड में ये वाला जो है स्टील का मिलता है, कोई कोई ब्रांड का ये भी ब्रास का देते हैं, एंड इसमें भी आपको 3 से 4 साइज मार्केट में मिल जाता है। तो देख सकते हैं ये है कंप्लीट ब्रास का कॉफ़ी फिल्टर जो कि लुक भी काफ़ी बढ़िया एंड अमेजिंग दिखता है, देख सकते हैं लुक भी काफ़ी बढ़िया है। एंड इसमें एक हैंडल वाला भी मिल जाता है जो कि इस तरह का मॉडल आता है जो कि नीचे में हैंडल देता है, एंड सबसे मॉडल नया तो देख सकते हैं ये वाला है। एंड इसमें ब्रश भी आपको मिल जाता है, देख सकते हैं ये ब्रश है जो कि इसको क्लीन करने के लिए काम में लेते हैं पाइप को, एंड इसको इस तरह से खोल दिया जाता है। तो देख सकते हैं ये है कॉफ़ी पाउडर डालने का, एंड ये खुला है आप देख सकते हैं इस तरह से, ये रख के इसमें इसके ऊपर ये रख के पाउडर डाल के ये रख के फिर वाटर ऐड करते हैं जो कि नॉर्मल स्टील जैसा ही है, लेकिन लुक थोड़ा नया है, स्टाइलिश दिखता है, काफ़ी लाजवाब कॉफ़ी फिल्टर है। इसमें भी आपको 3 से 4 साइज मिल जाता है, ये सबसे छोटा है एंड इससे बड़ा भी साइज़ मार्केट में मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप अच्छा लगा, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड पूरा का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।